बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियान सईद। दोस्तों, आज हम मटर की रेसिपी लेकर आए हैं, वो भी तवे के ऊपर। बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बनती भी सिर्फ 15 मिनट में है। इन शाला रेसिपी में बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, यहाँ हमारे पास तवा है जिस पर जाएगा 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और इस पर ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज। इस प्याज को हमने इसके ऊपर फ्राई करना है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास प्रेशर कुकर है जिसमें जाएगा 800 ग्राम मटन, 2 काली इलायची जाएंगी यानी कि बड़ी इलायची जाएंगी इसमें, और इसमें पानी ऐड कर देंगे 300 ग्राम, और फिर इसके ऊपर हमें ढक्कन दे देना है और इसको प्रेशर पर लगा देना है। और यहाँ जो प्याज है वो लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को हमें इसके अंदर पकाना है और इसका जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करेंगे। और यहाँ देखिए जो सीटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब हमने जो मसाला पकड़ा है इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। एक छोटे साइज का टमाटर है जिसको हमने काट कर इसमें ऐड कर देना है। कोशिश किया करें टमाटर रेड वाला हो, उससे जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, कच्चे वाले का टेस्ट थोड़ा कम होता है। तो इसको पकाएंगे, इसका थोड़ा सा गलाएंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, इस मसाले को पकाएंगे, इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो भुनाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है जिससे टेस्ट डेवलप होता है। और ये देखिए इस तरह से हम इसकी कर लिया भुनाई। अब जो प्रेशर है उसको बंद कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मटन है बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है, और जो मसाला भी तैयार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मसाले में ऐड कर देंगे इस मटन को, और इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे इस मसाले के अंदर, ताकि इस मसाले का जो टेस्ट है वो मटन में अच्छे तरीके से चला जाए। और इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 से 4 टेबल स्पून जाएगा इसमें दही। दही को हमेशा फेंट कर ऐड किया करें, दही इसके टेस्ट को रिच कर देगी, और इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा क्रीमी होगी। तो दही के अंदर हम इसको पकाएंगे, और जो दही है इसके अंदर पानी है उसको भी हम ड्राई करेंगे, और साथ साथ इसको इस तरह से पलटते रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं डेली इस तरह की यूनिक रेसिपी कराता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट हो रहा है, और अब हम बारी है इसमें लेमन ऐड करने की। 1/2 लेमन ऐड कर देंगे बड़े साइज़ का, छोटा हो तो आप पूरा ऐड कर दीजिएगा। 2 सब्ज़ी मिर्ची ऐड कर देंगे जो तवा फ्राई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और थोड़ी सी कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, तो एंड पर ऐड कर देंगे इसके ऊपर धनिया। तो दोस्तों, अब यह हमारी रेसिपी जो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ऐसे ही सर्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह घर वाले सभी से बहुत पसंद करेंगे, और मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं। तो दीजिए फियाज़ अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।